हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रासर में। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हो कि आज हो सकता है आपके लिए एक बहुत खुशखबरी का दिन हो। आज हो सकता है, ऐसी संभावना लग रही है कि आज रिजल्ट आ सकता है नीट का। आपके भी मन में शायद कुछ ऐसे ही सवाल चल रहे होंगे, नीट 2020 का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें क्या चेंजेज होके आएंगे, किस तरह का इस बार रिजल्ट कार्ड बनेगा, क्या आपका कट ऑफ रहेगा, स्टेट वाइज कट ऑफ क्या आ सकता है, कैटेगरी वाइज आपके कट ऑफ रैंक क्या आ सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक क्या आ सकते हैं, ये सारी बातों का जिक्र उसके अंदर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसा आप हेडिंग देख रहे थे कि 2020 नीट इज नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन, इट्स एन इमोशन। आपको भी पता है कि एक सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं था, ये आपके लिए इमोशन था, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक थे। जैसे आपको पता है कि कोरोना काल में इतनी कसमकस जिंदगी होने के बावजूद भी आपने नीट का एग्जाम लिखा। सबसे पहले मैं आप लोग को सैल्यूट करता हूं कि आप लोग इतना हिम्मत किए। मैं आपको हर पेरेंट्स को जो मैं वो दाद देता हूं जिन्होंने अपने बच्चे को सेंटर तक पहुंचाया इतनी विकट स्थिति में भी, और बिना डर और भय के अपने बच्चों को एग्जाम दिलवाया। ये साफ दिख रहा है कि आपके पेरेंट्स के अंदर, आपके अंदर कितनी गहरी आपकी अटैचमेंट थी नीट एग्जाम को लेके, आपके सपने, आपके पेरेंट्स के सपने कितने बड़े हैं इस नीट एग्जाम को लेके, और उसी सपने को पूरा करने के लिए, साकार करने के लिए आप नीट का एग्जाम आपने दिया। तो दोस्त, मैं बताना चाहूंगा, जैसा आपको पता है कि मई में एग्जाम होना था, फिर वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पहुंच गया, देखते देखते इतना लेट हुआ। तो जैसे जैसे लेट होता चला गया, सिलेबस के साथ आपका रुझान बढ़ता चला गया, बहुत बच्चे डाइवर्ट भी हुए होंगे मुझे लग रहा है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने जिनको अपने आप को रिदम बनाना था, जिनको समय चाहिए था पढ़ने के लिए, उनको एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिला और वो किताब के साथ जुड़ते चले गए। तो जैसे जैसे आप किसी के साथ, आपका डिवोशन जैसे जैसे बढ़ता है, निश्चित तौर पे आपका इमोशन भी उसके प्रति बढ़ता है। तो जैसे जैसे आपका डिवोशन बढ़ता गया, आपका रिजल्ट के लिए इमोशन बढ़ता गया, आपकी उम्मीदें बढ़ती गई कि मुझे इसी साल MBBS करना है, मुझे इसी साल डॉक्टर बनना है, और आपने अथक प्रयास भी किया। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग का रिजल्ट अच्छा हो, इसी साल अच्छा हो, और अगर किसी तरह से अगर रिजल्ट डाउन जाता है तो आपके लिए करियर ऑप्शन बहुत सारे होंगे, या अगले साल का ऑप्शन भी होगा। मेडिकल के अलावा भी बहुत सारे करियर हैं जो मेडिकल के फील्ड में आपके पास हैं, मैं उसका भी एक वीडियो आपको देने वाला हूं। और अगर आप अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं, शायद डॉक्टर बनने का सपना आपका अचानक कभी भी पूरा हो सकता है जब भी रिजल्ट आ जाए। अब मैं आपको बता दूं कि मॉपअप राउंड से लेकर राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड तक काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी सारी जानकारी होगी, ये मैं सारी जानकारी आपको अपडेट करूंगा कि काउंसलिंग कितने से कितने तारीख तक हो रहा है, फर्स्ट राउंड का, ऑल इंडिया का, स्टेट काउंसलिंग कितने से कितने किस स्टेट का होने जा रहा है, ये सारी जानकारी दूंगा जैसे रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के 24 घंटे के अंदर अंदर ये अपडेट जरूर हमें मिल जाएगा, और अपडेट मिलते ही मैं सारी इंफॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचाता रहूंगा। मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप लोग मुझे सिर्फ ये कमेंट करके आपको बताना है कि आप लोग कैटेगरी वाइज मुझे एक आइडिया दे दीजिएगा कि किस कैटेगरी में आप लोग किस स्टेट के बच्चे हो और कितना नंबर ला रहे हो। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, हमेशा ध्यान रखिएगा, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देते देते। तो आपको अपने भाग्य को अगर मजबूत अगर बनाना है, भाग्य को बदलना है, तो आपके इरादे बहुत मजबूत होना चाहिए। रिजल्ट 19-20 तो एक पार्ट है एक दिन का, लेकिन इससे आपका करियर चेंज नहीं हो सकता। और होप सो कि आप लोगों ने पेपर अच्छा किया होगा, आपका रिजल्ट भी अच्छा आने की संभावना है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें होगी काउंसलिंग के लिए। आप लोग सब लोग कम से कम अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर रख लें, जिसमें अभी नीट का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कार्ड होगा, 10th का मार्कशीट होगा, 12th का मार्कशीट होगा, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट होगा, अगर आपके पास EWS कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपके पास PWD कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो आप सबसे पहले इन चीजों को एकदम तैयार रखें। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज का फोटो कम से कम 25 से 30 चाहिए, आधार कार्ड आपका चाहिए, या तो जो भी वोटर आईडी कार्ड, मतलब जो भी एक आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो कम से कम इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बेटा पहले से तैयार रखना, ताकि आपको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। और बहुत अच्छे से कॉलेज की फिलिंग करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, ये भी मैं आपको एक वीडियो में बना के बताऊंगा, इसलिए मैं लगातार आज आपके साथ बना हुआ हूं, ताकि हर एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो भी नीट के बारे में आएगा वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बच्चों ने अभी पिछले वीडियो में कमेंट भी किया हुआ था कि सर कहां पे कितने सीट बढ़े हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको काउंसलिंग फर्स्ट से पहले मिल जाएगी, जहां पे हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कहां पे कितने कॉलेज में सीट बढ़े हुए हैं। हमने कुछ कॉलेज जहां पे जिपमर में जैसे सीट बढ़ाया गया था, तो जिपमर के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दिया था। इसके अलावा जो है वो मणिपाल का एक नया सेंटर जो खोला गया है इस बार टाटानगर में, जमशेदपुर में,
ठीक है ना। हाँ, वहां पे भी सीट बढ़ा है 100 सीट, तो उसके बारे में भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया था। और इसके बाद भी जिस स्टेट वाइज में जो नए गवर्नमेंट कॉलेज की शुरुआत इस साल होनी है, अगर इस सेशन में उसको मान्यता मिल जाती है, तो उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको काउंसलिंग के दौरान में दे दूंगा। तो आप लोग मेरे साथ यही बने रहना, आपको हर एक इंफॉर्मेशन को मैं देता रहूंगा, ताकि आप लोग को कभी भी ऐसा ना लगे कि मैं अकेला हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको काउंसिल करूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, वीडियो में बना के आपको देता रहूंगा। बस ये होता है कि मैं पर्सनली कॉल पे सबसे नहीं बात कर सकता हूं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी क्लास भी होती है, मैं एज अ टीचर, मुझे क्लास भी लेना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं इसके लिए आप लोग से सॉरी बोलूंगा, लेकिन मैं वीडियो के थ्रू आपको सारी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। और दोस्त, आपको तो बहुत मजबूत होना चाहिए यार, जिंदगी में कुछ गलत हो जाए ना तो घबराना मत, क्योंकि आपको पता है ना, दूध फटने से वही घबराते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। एकदम दिमाग में ये बात जिंदगी में बैठा लो भाई हमेशा। तो कभी भी आपको कुछ गलत हो जाए तो आपको नहीं घबराना, ये मत सोचो कि मैंने तैयारी किया था, मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है, मेरे मार्क्स कम आएंगे, मैं तो क्या करूं। घबराना नहीं है, मैंने आपको एक बात बता दिया, दिमाग में बैठा लो कि दूध फटने से वही घबराते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता, इसलिए इस बात को दिमाग में लेके चलो। और इसलिए आपको घबराना नहीं, अगर आपको पनीर बनाना आता है तो उस फटे हुए चीज से भी आप देखो क्या गजब की चीज निकाल लिए, दूध से भी बेहतर चीज आप पनीर निकाल लियो, है ना। तो आपको किसी भी तरह से नर्वस नहीं होना, स्ट्रांग रहना है और रिजल्ट का वेट करना है, अपने पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। और पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश है कि अगर बच्चों का रिजल्ट थोड़ा भी अप डाउन आए तो अपने बच्चों का हौसला न गिराएं, आप लोग बच्चे का हौसला बनाए रखें, आपका बच्चा पहले आपके लिए है, रिजल्ट उसका उसके बाद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।